वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट एंड डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशंस। प्रीवियस क्लास में हमने एक्यूट इन्फ्लामेशन को देखा था और यहाँ हम डिटेल में देखेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन को। एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या था कि वो शॉर्ट टर्म शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इनिशियली जो जनरेट हमारी इन्फ्लामेशन हो रहा है वो क्या है, एक्यूट इन्फ्लामेशन छोटे पीरियड के लिए है, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं है, थोड़े से पीरियड के लिए इमीडिएट जनरेट हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटों से लेकर कुछ वीक के बीच की जो इन्फ्लामेशन है डेट इज कॉल्ड एक्यूट इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब यहाँ क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन मे रन फ्रॉम ए नंबर ऑफ डेज टू मैनी ईयर्स, हो सकता है कुछ दिन से लेकर कुछ ईयर्स तक जो इन्फ्लामेशन चल रही है उसको वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है। द सिम्टम्स आर नॉट एज सर्व एज द एक्यूट इन्फ्लामेशन बट द कंडीशंस इज इंसिडियस और पर्सिस्टेंट। द सिम्टम्स आर नॉट एज सीवियर एज द एक्यूट इन्फ्लामेशन। जैसे अगर हम इन्फ्लामेशन की एक्यूट इन्फ्लामेशन सिम्टम्स से उससे अकॉर्डिंग सिम्टम क्रोनिक इन्फ्लामेशन के इतना सीवियर नहीं होते हैं, उसमें क्या है हल्के हल्के बट कंडीशन इंडिजीनियस कंडीशन बनी रहेगी और प्रसिस्टेंट हल्के हल्के चलती रहेगी, कंटिन्यूटी से चलती रहती रहती है, इसमें एकदम सीवियरिटी नहीं आती है जो सीवियरिटी हमें एक्यूट इन्फ्लामेशन में देखने को मिलती है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन और एक्यूट इन्फ्लामेशन यही डिफरेंस है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन लॉन्ग टर्म होती है, कुछ डे से लेकर कुछ साल तक चलेगी, लेकिन इसमें जो सीवियरिटी होती है इन्फ्लामेशन की बहुत ज़्यादा नहीं होती है, स्लोली स्लोली चलती है, जैसे एक्यूट में होती है उस तरह की सीवियरिटी इसके अंदर नहीं होती है। कंटिन्यू इन्फ्लामेशन रहेगा और प्रेसिस्टेंट कंटिन्यू बना रहेगा, हल्के हल्के चलता रहेगा। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में फॉलो एक्यूट इन्फ्लामेशन। दिस अकर व्हेन द एक्यूट रिस्पॉन्स कैन नॉट बी रिजॉल्व आइदर ड्यू टू द प्रेसिस्टेंट ऑफ इंजरियस एजेंट और ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ हीलिंग्स। क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो प्रोसेस जो फॉर्म हो रही है वो आपकी फॉर्म किससे होती है, एक्यूट इन्फ्लामेशन से होती है। एक्यूट इन्फ्लामेशन में होती हुई प्रोसेस कैसे चेंज होती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन कब चेंज होती है? दिस अकर व्हेन द एक्यूट प्रोसेस कैन नॉट बी रिजॉल्व, जब ये एक्यूट इन्फ्लामेशन था वो ठीक नहीं हुआ तब, आइदर क्यों ड्यू टू द प्रेसिस्टेंट इंजरियस एजेंट्स, कंटिन्यू जो इंजरीज करने वाले एजेंट हैं वो कंटिन्यू वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, कंटिन्यू वहाँ पर आ रहे हैं। मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस है, बैक्टीरिया कंटिन्यू वहाँ बना हुआ लॉन्ग टाइम में, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं और कंटिन्यू बैक्टीरिया वहाँ बना रहेगा तो बाद में जो इन्फ्लामेशन है वो किसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन में चेंज हो जाएगा, मतलब परसिस्टेंट ऑफ इंजरियस एजेंट। इंजरियस एजेंट यहाँ पे बैक्टीरिया की बात मैं कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर, तो वहाँ पर कंटिन्यू बैक्टीरिया वहाँ ना रहेगा, हम बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं और कंटिन्यू वो इंजरी रहती है तो एक्यूट इन्फ्लामेशन से क्रोनिक इन्फ्लामेशन में चेंज हो जाती है ड्यू टू इंटरफेरेंस इन नॉर्मल प्रोसेस ऑफ हीलिंग, और साथ में जो हीलिंग की प्रोसेस है उसमें कोई इंटरफेरेंस आ रहा है तो उस प्रोसेस बाद में चेंज किसमें आती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, मिनिमम कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन। पहला है इनफिल्ट्रेशन बाय ए मोनोन्यूक्लियर सेल्स, इसमें क्या हो उसमें हमने देखा था लिकोसाइट्स का मेनली जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन इसमें इन्फिल्ट्रेशन किसका होगा तो हमने उसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात की थी। एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो मेनली इनफिल्ट्रेशन जो हो रहा था, एग्रेशन जो हो रहा था वो आपके लिकोसाइट्स से WBC का था, यहाँ पर जो होगा मोनोन्यूक्लियर सेल्स का होगा। मोनोन्यूक्लियर सेल्स मतलब जो आपकी मैक्रोफेज हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, उन सब की बात होती है, उनके कारण ही ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन बनती है। टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पर टिश्यू डस्ट टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो आपकी डेथ होती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं वो आपकी टूटने फूटने लगती हैं, डेथ होने लगती हैं। रिपेयर इन्वॉल्विंग एंजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोसिस, रिपेयरमेंट होता है, एंजियोजेनेसिस मतलब क्या होती है नई ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपकी फॉर्म होती हैं, डेट इज द एंजियोजेनेसिस। और फाइब्रोसिस क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट या एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेसरल मटेरियल्स, यानी फाइब्रोब्लास्ट के सेल्स का मतलब फॉर्मेशन, साथ में एक्सेसरल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन जो होता है उस कंडीशन को बोलते हैं फाइब्रोसिस। ठीक है, ये तीन कंडीशंस होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं फॉर द इन्फ्लामेशन। ठीक है, बट क्रोनिक इन्फ्लामेशन पहला क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन किसका होगा, मोनोन्यूक्लियर सेल्स आपकी इन्फ्लामेटरी सेल्स पर पहुँचेंगी, कौन कौन सी, मैक्रोफेज है, लिम्फोसाइट है, प्लाज्मा सेल्स, जबकि हमारा एक्यूट में कम पहुँच रही थी, ओनली लिकोसाइट्स पहुँच रही थी या WBC पहुँच रही थी, इसमें
मोनिलिस वाले, इसमें टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा, वहाँ टिश्यू का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है और यहाँ पर रिपेयरमेंट की प्रोसेस भी शुरू हो जाती है, जैसे एंजियोजेनेसिस है ब्लड वेसल्स कुछ फॉर्म, रिपेयरमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाती है जैसे एंजियोजेनेसिस है ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, फाइब्रोसिस है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, साथ में जो आपके एक्सेसुलर मैट्रिक्स होते हैं उसका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। फाइब्रोब्लास्ट हमने पढ़ाई थी नेक्स्ट लास्ट में आपको HEP में, फाइब्रोब्लास्ट मतलब क्या होते हैं, जो आपके किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका भी बढ़ने लगता है। जब ये बढ़ेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो जाता है। अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज सीन टू फॉलोइंग सिचुएशन, किस किस कंडीशन में क्रोनिक इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बनते हैं। पहला है प्रेसिस्टेंट इन्फेक्शन, कंटिन्यू इन्फेक्शन किसी का बना हुआ है और वो कंटिन्यू इन्फेक्शन बहुत सालों बहुत टाइम तक बना रहेगा तो उस कारण क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन फॉर्म हो जाता है। जैसे मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई के बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं फंगस है, ये सभी कंटिन्यू बनी जाती हैं और कंटिन्यू इन्फेक्शन बने होने के कारण लास्ट में ये कंडीशन हो जाती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। नेक्स्ट बात करें तो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट्स, किसी टॉक्सिक एजेंट का कंटिन्यू एक्सपोजर हो रहा है, कंटिन्यू टॉक्सिक एजेंट्स अगर हमारी किसी भी सेल्स में कंटिन्यू एक्सपोजर हो रहा है तो वो बाद में किस में चला जाता है, आपके क्रोनिक इन्फ्लामेशन। जैसे कि मैं बात करूँ क्रोनिक हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिड कंटिन्यू हम क्रोनिक क्या कंटिन्यू लिपिड बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाएगा तो उसके कारण क्या है, लास्ट में ऐसी प्रोसेस आएगी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो गया। क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्यों हुआ, लिपिड कंटिन्यू पोटेंशियल टॉक्सिक एजेंट बढ़ रहे थे लेकिन बढ़ते गए क्रोनिक हाइपरलिपिडीमिया हो गया, और जो कि डायरेक्टली लीड करता है किसको, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। ऐसी ऑटोइम्यून डिसीज़ है, ऑटोइम्यून डिसीज़ की कंडीशन में भी लॉन्ग टाइम तक बनी रहे तो बाद में किस्में चुकी जाती है आपकी, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। जैसे मैं आपको बताऊँ रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट इम्यूनो डिसीज़ दैट जब चेंज इन टू द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेनली क्या क्या पैथोजेनेसिस है, क्या मैकेनिज्म होती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन की। ठीक है, नाउ कम टू द पैथोजेनेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, होता क्या है, पहले हमने बताई कि व्हेन एक्यूट फेज कैन नॉट बी रिजॉल्व प्रसिस्टिंग इंजरी, कोई इन्फेक्शन है वो कंटिन्यू ठीक नहीं हो पा रहा है, या फिर प्रोलॉन्ग टॉक्सिक एजेंट एक्सपोजर्स, टॉक्सिक एजेंट का कंटिन्यू एक्सपोजर हो रहा है किसी भी बॉडी के किसी भी टिश्यू पर, या फिर ऑटोइम्यून डिसीज़ कंटिन्यू बनी हुई है और रिपीटेड इन्फ्लामेशन वहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, ये चारों कंडीशन हो रही होती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक्टिवेटेड मोनोन्यूक्लियर सेल्स लाइक ए फेगोसाइट्स, एक्टिवेटेड मोनोन्यूक्लियर सेल्स होती हैं फेगोसाइट जैसी हैं, या फिर हम टिश्यू मैक्रोफेज कह सकते हैं, वो सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स जितनी भी होती हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो आपकी एक्टिव हो जाती हैं, क्या हो जाएंगे मोनोन्यूक्लियर सेल्स, क्या होंगे इस कंडीशन में, जो ऊपर वाली कंडीशन चारों बनी होंगी कंटिन्यू बनी रहेंगी तो उस कंडीशन में एक्टिवेटेड मोनोन्यूक्लियर सेल्स हो जाते हैं, मोनोन्यूक्लियर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे फेगोसाइट है, लिम्फोसाइट सेल्स हैं, फेगोसाइट्स में मैक्रोफेज या फिर सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स की बात कर सकते हैं। अब जब एक्टिवेट हो जाएंगी ये, तो एक्टिव होने के बाद में इट माइग्रेट टुवर्ड द इंजर्ड एरिया। अब ये क्या करती हैं, जितने मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं, फेगोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं या मैक्रोफेज हैं, वो सब कहाँ पहुँचती है, इंजर्ड एरिया में माइग्रेट करना शुरू हो जाती हैं। जैसे हमने प्रीवियस में देखा था एक्यूट इन्फ्लामेशन में, वो आपकी ब्लड वेसल से लीक आउट होकर कहाँ पहुँचती है, इंजरियस एरिया में पहुँचती, कौन, ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पर ल्यूकोसाइट की जगह पहुँचेंगी मोनोन्यूक्लियर सेल्स पहुँचेंगी, या फेगोसाइट्स सेल्स या लिम्फोसाइट सेल्स, मोनोसाइट सेल्स, ये सब पहुँचते हैं। अब वहाँ पहुँचने पर क्या होगा, इन द एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू जब पहुँच गई, फेगोसाइट सेल ट्रांसफॉर्म इनटू द लार्ज मैक्रोफेज सेल्स, और जितनी फेगोसाइट सेल्स हैं वो आपकी लार्ज मैक्रोफेज सेल्स में चेंज हो जाती हैं, और लार्ज मैक्रोफेज सेल्स में होगी, और मैक्रोफेज सेल्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एसिड प्रोटीज एंजाइम होते हैं और डिफरेंट टाइप के कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, और ये सभी कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, प्रोटीज एंजाइम्स हैं या लाइसोम एंजाइम्स हैं, वो इंगल्फ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए और डेड सेल की, जहाँ पर इंजरी एरिया था वहाँ पर मैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और डेड सेल भी हो सकती हैं, उन सबको ये इंगल्फ कर लेते हैं और उसे डाइजेशन, उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होगा, डाइजेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर पार्टिकल्स, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं डेड सेल्स होगी, तो उनके पार्टिकल रिलीज होंगे, उनके पार्टिकल रिलीज करेंगे बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन और वेरियस साइटोटॉक्सिन रिलीज होता है, इस वजह से क्या होगा, जब वो डाइजेशन हो जाएगा तो डाइजेशन करेंगे या फिर डिस्ट्रॉय करने की वजह से क्या, बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन वहाँ से रिलीज होंगे और बहुत सारे साइटोटॉक्सिन रिलीज होंगे। साइटोटॉक्सिन क्या होते हैं, साइटोटॉक्सिन्स जो होते हैं प्रोड्यूस बाय द साइटोटॉक्सिन आर द एजेंट दैट प्रोड्यूस बाय द मैक्रोफेज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज नंबर ऑफ एक्शन विच इंक्लूडिंग द इन्फ्लामेशन,
मतलब क्रोनिक इन्फ्लामेशन को रिस्पॉन्सिबल करने वाला का फैक्टर क्या है, साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स जब रिलीज होते हैं तो इन्फ्लामेशन को और प्रमोट करने का काम करते हैं, ठीक है। साइटोकिनिन्स में जैसे इंटरल्यूकिन फर्स्ट है, इंटरल्यूकिन एट है, TNF अल्फा 8 है, तो ये साइटोकिनिन्स होते हैं। साइटोकिनिन्स में मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन्फ्लामेशन के लिए। ये सभी जैसे इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इंटरल्यूकिन 8, TNF अल्फा, T1 फैक्टर अल्फा, ये सभी साइटोकिनिन रिलीज होते हैं। और ये रिलीज होने के बाद में क्या करते हैं, ये आपके और मैक्रोफेज सेल्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ये जब कंडीशन आएगी उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। इट स्टिमुलेट द इम्यूनो रिस्पॉन्स अगेंस्ट द माइक्रोब्स एंड डेड सेल। इसकी वजह से क्या हुआ, ये साइटोटॉक्सिन जो रिलीज हुए, एंडोटॉक्सिन जो रिलीज हुए, वो क्या करते हैं, इम्यूनो रिस्पॉन्स को और ज़्यादा हमारी बॉडी के इम्यूनो रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर देते हैं अगेंस्ट द माइक्रोब्स और डेड सेल। डेड सेल जितनी भी और माइक्रोब सेल उनके अगेंस्ट में उसे स्टिमुलेट कर देंगे। और जब स्टिमुलेट होगा, इस वजह से क्या हुआ, इट एक्टिवेट्स द टी सेल और लिम्फोसाइट सेल। जो बॉडी के टी सेल हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट सेल्स, वो सभी क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। और उस एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, एक्टिवेट टी लिम्फोसाइट सेल्स एंड लिम्फोसाइट सेल्स रिलीज लिम्फोकाइनेस, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इंटरल्यूकिन सेकंड, इंटरल्यूकिन 8, TNF नेटवर्क फिल्टर अल्फा, TNF अल्फा ग्रोथ फैक्टर्स, INF, IN, IFN गामा, INF इंटरल्यूकिन नेटवर्क फैक्टर्स अल्फा, ये सब भी एक्टिवेट होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, ये कुछ फैक्टर होते हैं वो आपके इन्फ्लामेशन को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इन्फ्लामेशन को प्रमोट करने का मतलब है वहाँ पर और ज़्यादा सेल्स आएंगी जो कि उन मैक्रो सेल्स या लिम्फोसाइट सेल्स और ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी आपके मैक्रोब्स हैं, ज़्यादा मैक्रोब्स हो सकते हैं या ज़्यादा डेड सेल्स होंगी, उनको किल करना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, तो बॉडी में कहीं भी इस टाइप की सेल्स होंगी या इस टाइप के डेड सेल्स होंगे, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए और सेल बन जाएंगे, या एक्टिवेट मोर मैक्रोफेज सेल्स और एक्टिवेट हो जाएंगे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब क्या होगा उसके बाद, द ग्रोथ फैक्टर ट्रिगर प्रोलिफरेशंस। कुछ ग्रोथ फैक्टर भी मैंने बता दें, ग्रोथ फैक्टर रेडी होते हैं। अब ग्रोथ फैक्टर क्या करेंगे, द ग्रोथ फैक्टर ट्रिगर पॉलीफ्रेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल्स। अब ग्रोथ फैक्टर क्या करेंगे, यहाँ पर पॉलीफ्रेशन करेंगे। पॉलीफ्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ, पॉलीफ्रेशन मतलब क्या है, कंटिन्यू यहाँ पर क्या होता है, डिवीजन चलता है। पॉलीफ्रेशन मतलब डिवीजन या फिर सेल का आगे डिवीजन होना। तो वहाँ पर पॉलीफ्रेशन होगा ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल्स का, विच इज एसेंशियल फॉर एंजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोसिस। अब ग्रोथ फैक्टर की वजह से क्या हुआ, सेल डिवीजन कंटिन्यू हो रहा है। सेल डिवीजन की वजह से क्या हो, सेल डिवीजन जल्द कंटिन्यू इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होगा, जो एंजियोजेनेसिस यानी कि जो नई ब्लड सेल्स जो डिस्ट्रॉय हुई थी, नई ब्लड सेल्स बनेंगी, वो इस ग्रोथ फैक्टर की वजह से बनना शुरू हो जाती हैं। साथ में फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस में पहले आपको बता चुका हूँ, फाइब्रोसिस में क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स फॉर्म होंगी। और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या होती हैं, वो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं डिफरेंट कनेक्टेड टिश्यू का, तो वहाँ पर भी हीलिंग होना शुरू हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोसिस, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, जो एक्टिवेट टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट हैं, वो ट्रांसफर इनटू हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में। अगर इन्फ्लामेशन कंटिन्यू बना रहेगा, ये तो हीलिंग की प्रोसेस होगी। इसके अलावा एक प्रोसेस ये होती है, इन्हीं फैक्टर की वजह से क्या होगा, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट होते हैं, वो ट्रांसफर किस में जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स में जाते हैं। और प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन। और प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देती हैं अगेंस्ट द एंटीजन। एंटीजन कोई बैक्टीरिया वायरस भी हो सकता है। और जो विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन, रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेनली एंटीजन कौन, जो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन किसी वजह से हुई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी एंटीजन हो सकता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती हैं। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो जो दे प्रोड्यूस है टिश्यू इंजरी, वहाँ पर टिश्यू इंजरी भी हो सकती है। क्यों टिश्यू इंजरी क्यों होगी, जितनी भी आपकी डेड सेल्स होंगी या जिन सेल में बैक्टीरिया वायरस होगा, वो सेल भी इंजरी होंगी, तो टिश्यू इंजरी हो जाती है और क्रोनिक इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन बन जाती है। तो यह है आपकी पूरी मैकेनिज्म। इसको अगर आप फिगर से देखें तो यहाँ से देख सकते हैं, जैसे आपके क्या है, मैंने बताया था चार कंडीशन बताई थी। चार कंडीशन कौन सी क्या है, या तो कंटिन्यू इन्फेक्शन बना हुआ है, या फिर कंटिन्यू टॉक्सिक एजेंट का एक्सपोजर हो रहे हैं, या ऑटोइम्यून डिजीज कंटिन्यू बनी हुई है, या फिर रिपीटेड इन्फ्लामेशन, बार बार इन्फ्लामेशन हो रहा है। उस कंडीशन में क्या हुआ, बॉडी में मोनोन्यूक्लियर सेल्स होती हैं वो आपकी एक्टिव हो गई। मोनोन्यूक्लियर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी रिपीटेड एक्यूमेंट इन्फ्लामेशन, प्रोसेस इंजरी, इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ, मोनोसाइट सेल्स होती हैं बॉडी में एक्टिव हो गई। और जब ब्लड सेल में एक्टिव हो जाती हैं तो यहाँ पर एक्टिवेट होने के बाद में वो आपके ब्लड वेसल्स पे अडहेयर होती हैं कैपिलरी में, और कैपिलरी से वहाँ से होती है, जैसे हमारे ल्यूकोसाइट होते हैं वैसे ही बाहर आपके मैग्नेट होकर टिश्यू इंजरी इंजरियस एजेंट पे, इन्फ्लामेटरी एरिया पे, इंजरियस साइट पे पहुँच जाते हैं।
और टिश्यू मैक्रोफेज जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जब मोनोसाइट किसमें हुआ, मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो गई। एक्टिव मैक्रोफेज क्या करेगी, बैक्टीरिया टॉक्सिन बैक्टीरिया या वायरस को इंगल्फ कर लेगी, इंगल्फ करने पर क्या हुआ, डिस्ट्रॉय करेगी, डिस्ट्रॉय करने पर क्या हुआ, बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज होंगे, ब्रेस टाइप के साइटोकिनिन रिलीज होती हैं। अब इस टाइप के एंडोटॉक्सिन और साइटोकिनिन रिलीज होने की वजह से इस टाइप के बैक्टीरियल वेरियस टाइप के बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन और वेरियस और एंड साइटोकिनिन रिलीज होते हैं। साइटोकिनिन जब रिलीज होंगे, साइटोकिनिन बहुत सारे रिलीज हो सकते हैं, साइटोकिनिन रिलीज होते हैं। अब इस टाइप के साइटोकिनिन जब रिलीज होते हैं उसकी वजह से क्या होते हैं हमारा, अभी हमने बताया था आपको कि हमारा बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट और एक्टिव हो जाता है और बॉडी की टी सेल्स और लिम्फोसाइट सेल होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, जिसके बाद में हमारी बॉडी में एंटीबॉडी से लेकर डिफरेंट टाइप के जितने फैक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अब वो रिलीज हुए फैक्टर्स होते हैं एडोवाइन होंगे, वो टी सेल को एक्टिवेट कर देंगे और टी सेल की वजह से क्या रिलीज लिम्फोकाइनिन इंटरल्यूकिन फर्स्ट इंटरल्यूकिन सेकंड ग्रोथ फैक्टर्स INF अल्फा बीटा गामा दोनों रिलीज होते हैं। अब इनकी वजह से क्या होगा, जो ग्रोथ फैक्टर होंगे वो फाइब्रोसिस करेंगे और हीलिंग करेंगे। फाइब्रोसिस मैंने बताया था फाइब्रोब्लास्ट बनेंगे, जो कनेक्टेड टिश्यू है वो आपके फुलफिल होने लगेंगे और साथ में क्या होगा एंजियोजेनेसिस होगी, यानी कि जो ब्लड वेसल डिस्ट्रॉय हुए वो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर इन्फ्लामेशन कंटिन्यू फिर भी बना हुआ है और वो ठीक नहीं हो रहा है, जब हमारे पास में बॉडी में कंटिन्यू इन्फ्लामेशन बना हुआ है और वहाँ पर अभी भी इंजरी, वहाँ पर अभी भी बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट है वो प्लाज्मा सेल में चेंज हो जाएगी और प्लाज्मा सेल चेंज होने के बाद एंटीबॉडी जनरेट करती है और डिफरेंट एंटीजन के अगेंस्ट यानी वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट, और जो इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है वो कंडीशन क्रोनिक इन्फ्लामेशन में चेंज हो जाती है और टिश्यू इंजरी जैसी कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो डिफेंस क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कुछ हैं जिस लॉन्ग टाइम है वो तो आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या था, शॉर्ट टाइम था। दूसरा बात क्या है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन में जो सेल्स हैं वो इन्फिल्ट्रेट हो रही हैं, वो कौन सी मोनोमिलर सेल्स हो रही हैं, मैक्रोफेज सेल्स हो रही हैं, वहाँ पर क्या होती थी लिकोसाइट सेल्स हो रही थी, यहाँ टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर रेडनेस हो रही थी, इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ रहा था और स्वेलिंग हो रही थी, यहाँ स्वेलिंग जैसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर रिपेयरमेंट भी होना शुरू हो जाता, वहाँ रिपेयरमेंट नहीं था, इंजोरियोसिस और फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन नहीं थी जबकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन में होती है। ठीक है, अगर वीडियो ये एक्यूट क्रोनिक इन्फ्लामेशन समझ में आया होगा, आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कलिंग के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो पाए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।